नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ी नोटिफिकेशन आज निकल के आई एसएससी सीपीओ एग्जाम के बारे में। तो चलिए देरी न करते हुए आपको बता दें कि एसएससी सीपीओ की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है। 17/6/2020 से स्टार्ट हो गया फॉर्म का। लास्ट डेट है 16/7/2020 का है। पेमेंट की 18/7/2020 है और लास्ट जनरेशन ऑफ ऑफलाइन है 20 तारीख है। तो अभी स्टार्ट हो जाइए और एग्जामिनेशन जो है 29/9/2020 को है। फर्स्ट पेपर वो है 1/3/2021 को, सेकंड पेपर है। तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों की कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। आप देख लो सब इंस्पेक्टर जीडी की निकली हुई है, जिसमें है 35,400 से लेके 1,12,000 है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की है 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी है। वैकेंसीज डिटेल थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ। आप देख लो जो टोटल है इसमें ओपन 73, डिपार्टमेंट कैडेट 9 है, एक्स सर्विस में 9 है, टोटल वैकेंसी 9 है। और ये है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव वाली है और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली के लिए 78 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ के लिए है वो तगड़ी वैकेंसी है। सीआरपीएफ के लिए 1,007 है, फिर बीएसएफ के लिए 244 है, 43 है, सीआईएफ के लिए 20 है, एसएसबी के लिए 16 है। तो बड़ी वैकेंसी है और उसमें एसएसबी में आप टोटल देख सकते हो जो मेल फीमेल है उसमें 1,395 है। तो वैकेंसी 3,000-4,000 के करीब में है और अच्छी खासी वैकेंसी एसएससी ने इस बार निकाला हुआ है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो आप देख सकते हो रिलैक्सेशन भी दिया है अपर एज 5 ईयर्स का, जो हर एग्जाम में लगभग दिया जाता है। उसके अलावा मैं बात कर लूँ अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है, 30 साल है। उसके अलावा मैं एक थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या दिया है। बहुत लंबा चौड़ा है ये जो नोटिफिकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हो और एसएससी की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। और उसके बाद आ गया आपके सामने जो है फीस है वो 1,000 रुपये है फीस है। आप किसी भी तरह से भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग और एसबीआई के ब्रांच में भी जा करके देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो आप जोन वाइज रीजन वाइज भी निकला हुआ है, रीजन वाइज भी किस किस रीजन में, बेंगलोर में, बिहार में और अलवर में, दिल्ली एनसीआर में, अजमेर में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो बड़ा प्रोसीजर होता है एसएससी का और इसमें दो पेपर होंगे। दो पेपर होने के बाद पेपर फर्स्ट में जो पास होगा उसके बाद दूसरा होगा। अब आ गए हम पेपर पे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर का, जनरल नॉलेज 50 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 नंबर का, इंग्लिश कॉम्पिटिशन मतलब 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होंगे एसएससी में, समझ लो ये है ड्यूरेशन ऑफ द पेपर फर्स्ट का। उसके बाद हम सेकंड पेपर पे आते हैं। सेकंड पेपर में भी इंग्लिश है 200 नंबर का और 2 घंटे का ही होगा और डिफरेंट टाइप सर्टिफिकेशन भी है उसमें। उसके बाद फिर जो एग्जाम सिलेबस है वो दिया गया है। तो ओवरऑल अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। डेट स्टार्ट हो गई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह की वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।